अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से एक हफ्ता पहले, साहब ने इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। तो जाने से तो पार्टी क्या, इस इलाके की जनता को भी तकलीफ है, ऐसे आदमी को कुछ दिन और रहना चाहिए था। फिर छत्तीसगढ़ में भी काम किए, बिजली विभाग के अध्यक्ष रहे, मेंबर रहे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जदयू कार्यालय में है। दरअसल जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन की पार्थिव शरीर यहां पर आई हुई है और वहीं लोग तमाम मौजूद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन काफ़ी अच्छे प्रवक्ता थे और वहीं जदयू के ही लोगों से जानते हैं, मंत्री से जानते हैं कि आखिर राजीव रंजन कैसे प्रवक्ता थे। बाकी आगे चलकर बातचीत करते हैं और जानते हैं सब कुछ। अच्छे प्रवक्ता थे, पार्टी के अच्छे नेता थे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, पार्टी के पूर्व विधायक थे, और सबसे बड़ी बात है कि नेता के बहुत करीबी थे। अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से एक हफ्ता पहले, साहब ने इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। तो हम समझते हैं, और साहब का, माननीय नेता का व्यक्तिगत संबंध था इनसे, और बहुत अच्छे कर्मठ पदाधिकारी रहे। उन्होंने झारखंड में भी काम किए, फिर छत्तीसगढ़ में भी काम किए, बिजली विभाग के अध्यक्ष रहे, मेंबर रहे। पार्टी के लिए बड़ा लॉस है, अचानक से इनके चल जाने से पार्टी को नुकसान। हाँ, एक बड़ा लॉस है पार्टी का, एक बड़ा लॉस है। हमको तो नहीं लगता है कि निकट भविष्य में इनके कमी को पूरा किया जा सकता है। राजीव रंजन जी एक नेक इंसान थे, पार्टी के नेता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी थे, और प्रशासनिक पदाधिकारी झारखंड में बिजली विभाग के भी पदाधिकारी थे। अपने काम के प्रति जिम्मेदारी रहते थे इनका, और इनको जाने से तो पार्टी क्या, इस इलाके की जनता को भी तकलीफ है, ऐसे आदमी को कुछ दिन और रहना चाहिए था। दिन और रहना चाहिए था। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि राजीव रंजन जी के जाने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।